नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज जो है सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं धोनी और रायना के साथ में। भाई हमको जो है कल ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिली थी कि धोनी और रायना जो है एक साथ संन्यास ले चुके, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। जो भाई अपने थे रायना, ये जो है मात्र जो 33 ईयर्स के थे और इतनी जो है कम उम्र में जो है रायना ने संन्यास ले लिया, क्योंकि भाई जहाँ पे धोनी जाते हैं वहीं पे रायना भी जाते हैं, तो ये दिखाता है इनकी दोस्ती। तो भाई मेरे पास जो है आज बहुत सारी न्यूज आ रही है धोनी को लेके, तो मैं आप सभी को सबसे पहले सुनाता हूँ। यहाँ पे जो है भाई झारखंड के जो है चीफ मिनिस्टर भाई, इन्होंने जो है ऐसा कहा है, अपने भाई बिसिसाई से अपील की है कि MS धोनी को जो है आप लोग एक फेयरवेल मैच खिलाओ। तो भाई अभी देखते हैं कि जो मतलब कि मांग की है CM ने अपने बिसिसाई से कि धोनी को जो है फेयरवेल मैच देना चाहिए, क्योंकि भाई धोनी इतने बड़े थे खिलाड़ी, हमारे देश के लिए इतना कुछ जो है कर चुके, लेकिन जिस तरीके से जो है धोनी ने अपनी इनिंग को एंड किया बिना फेयरवेल मैच के, तो ये जो है बहुत ही खराब है। हम सभी जो है यही चाहते हैं कि भाई धोनी को जो है एक फेयरवेल मैच तो मिलना ही चाहिए था। साथ ही में जो है अब बात करते हैं धोनी के नंबर 7 जर्सी की। तो यहाँ पे जो है खबर ऐसी आ रही है, फैंस लोग जो है ऐसी मांग कर रहे हैं धोनी की जो नंबर 7 है जर्सी नंबर, इसको जो है भाई बीसीसीआई में भी रिटायर कर देना चाहिए। मतलब कि भविष्य में जो है नंबर 7 की जर्सी टीम इंडिया में कोई भी ना पहन पाए एज अ रिस्पेक्ट टू धोनी। तो भाई मेरे हिसाब से जो है बीसीसीआई भविष्य में नंबर 7 की जर्सी जो है इसको भी जरूर से रिटायर करेगी। अब मैं आपको जो है एक ऐसी रिपोर्ट दे दूं जो कि भाई जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। रिपोर्ट ये आ रही है, अगर मान लीजिए ये साल चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो IPL 2020 जीत जाती है, तब भाई जो है धोनी इस चैंपियन ट्रॉफी के साथ में जो है IPL से भी संन्यास ले सकते हैं, ऐसी जो है खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। लेकिन जो भाई यहाँ पे CSK के CEO थे भाई, इन्होंने जो है ऐसा कहा था कि जो धोनी है वो 2020-21-22 का IPL भी खेलेंगे, लेकिन अब हमको जो है किसकी बात पे यकीन करना चाहिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात करते हैं भाई धोनी की अच्छी खबर, क्योंकि यहाँ पे जो है आ रही है शेन वॉर्न को लेके। शेन वॉर्न ने भाई ऐसा कहा है, धोनी आप जो है नेक्स्ट ईयर का जो 100 बॉल टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर जो है मेरी टीम से खेलो। तब भाई अभी देखते हैं कि क्या धोनी शेन वॉर्न का जो दिया है प्रपोजल इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर भाई यहाँ पे धोनी 100 बॉल जो है टूर्नामेंट में खेलेंगे नेक्स्ट ईयर, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा शेन वॉर्न की टीम से। हालांकि ये जो है कोई भी फिक्स नहीं है, अभी सब कुछ जो है धोनी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो खेलना पसंद करते हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं IPL 2020 के शेड्यूल की पहले मैच की। तब यहाँ पे जो है रोहित शर्मा ने जो है धोनी को रिटायरमेंट विश किया, तब उसके साथ में जो भाई यहाँ पे रोहित शर्मा ने एक हम सभी को हिंट दे दिया, और वहाँ पे जो है भाई रोहित शर्मा ने ऐसा लिखा सी यू इन टॉस ऑन 19 सितंबर, मतलब कि जो है 19 सितंबर को जो है 100% जो है कन्फर्म हो चुका है कि मुंबई वर्सेज चेन्नई का पहला मुकाबला होने वाला है। इसकी जो है खुलासा रोहित शर्मा ने खुद भाई कर दिया धोनी को विश करते वक्त, तब ये जो है बहुत ही बड़ी अपडेट थी। अब बात करते हैं भाई RCB के कैप्टन विराट कोहली की। तब यहाँ पे जो है खबर आ रही है विराट कोहली जो है RCB की टीम को इस हफ्ते में ज्वाइन करने वाले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि विराट कोहली जो है RCB की फ्रेंचाइज को इस हफ्ते के अंदर जो है 100% ज्वाइन कर लेंगे। अब जो है भाई एक छोटी सी आ रही है अपडेट रोहित शर्मा को लेके। बहुत महीनों के बाद जो है रोहित शर्मा फाइनली जो है नेट्स के अंदर वापस आते हुए दिखाई दिए, जो कि जो है रोहित शर्मा UAE से पहले जो है मुंबई के कैंप में जो है नेट्स में आ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। बात करते हैं भाई इंडिया के फॉर्मर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी चेतन चौहान की। तब भाई जो है इनकी जो हालत है COVID-19 से वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही जो है ज़्यादा आ चुकी है क्रिटिकल सिचुएशन में, तब इनको जो है वेंटिलेटर्स में रखा है। हम सब भाई जो दुआ करते हैं कि जो चेतन चौहान है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज की। तो यहाँ पर जो है रिपोर्ट आ रही है इंडिया वर्सेस जो ऑजिस की सीरीज है, ये जो है भाई डायरेक्टली लिमिटेड ओवर के सीरीज के साथ में चालू हो सकती है, और सबसे लास्ट में जो है 4 टेस्ट मैच की सीरीज होगी। मतलब कि जो है पहले वनडे या फिर T20 होगी, उसके बाद जो है लास्ट में 4 टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है। एट दी एंड बात करते हैं PCB की। तब यहाँ पे जो है PCB की बोर्ड ने जो है मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रजाक को जो है उनका हाई परफॉर्मेंस कोच के तौर पे टीम में शामिल कर लिया है। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। आज जो है भाई
बहुत ही लेजेंड प्लेयर शिव नारायण चंद्र पॉल, इनका जो है जन्मदिन है, तो मैं जो फैक्ट है इनको लेके बताता हूँ। क्या आप सभी को पता है सबसे ज्यादा जो है टेस्ट क्रिकेट में हाफ सेंचुरी किसने मारी है टेस्ट क्रिकेट में, जो कि लूजिंग कॉज में, वो मारी है भाई चंद्र पॉल ने, जहाँ पे जो है भाई चंद्र पॉल ने कुल 30-50 मारी है इन अ लूजिंग कॉज टेस्ट क्रिकेट। तो भाई ये थी मेरी आज की न्यूज़ वीडियो और फैक्ट, मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।